मेरा नाम साधना झा है और हम सभी लोग जिला अस्पताल में स्टाफ नर्स के पद पर कार्य कर रहे हैं। और हम लोग का जो नियुक्त किया गया था वो अपनी परिधि के द्वारा हम लोग को नियुक्त किया गया था 6 महीने के लिए, तो 6 महीने का भुगतान हम लोगों को किया गया। लेकिन उसके बाद अस्पताल प्रशासन द्वारा हम लोगों को पहले 1 महीने का प्रोजेक्ट बढ़ाया गया, उसके बाद उन्होंने रिटर्न में उन्होंने 2 महीने का प्रोजेक्ट बढ़ाया, लेकिन 3 महीने से हम लोग को कोई वेतन नहीं मिली है और हम लोगों से पूरा कार्य कराया जा रहा है और सिर्फ ये उम्मीद दी जा रही है कि नहीं आप लोग की सैलरी आएगी। और हमारे जो CMS सर हैं वो हम लोग को कोई भी एक सटीक का उत्तर भी नहीं दे रहे हैं कि नहीं आप लोग यहाँ से जाएं या आप लोग का प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया है या आप लोग कार्य करें। हम लोगों से रजिस्टर पर साइन भी करवाए जा रहे हैं, अगर कभी हम लोग नहीं जाते तो उस पर एब्सेंट डाली जाती है। इसका मतलब क्या है कि आपने हम लोग को नहीं हटाया है। और कोई मतलब हम लोग को पूरा वर्कलोड भी हम लोगों पे रहता है, वार्ड में भी कई सारे पेशेंट रहते हैं, नाइट ड्यूटी भी अक्सर केवल हम ही लोगों की लगाई जा रही है और ना किसी प्रकार का कोई भी भुगतान किया गया। अब हम लोग बताइए कि ऐसी परिस्थिति में क्या करें, हम लोग सब परिवार वाले हैं, ये आर्थिक है, मानसिक है, हर तरीके से शोषण ही है, सब फैमिली वाले हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन कम से कम CMS सर की तरफ से लेकर आप कभी उच्च अधिकारियों से मिली हैं क्या? उच्च अधिकारियों से हमने DM सर को भी ज्ञापन दिया हुआ है, CMO सर CMS सर को भी हम लोग कई बार गए हैं और वो केवल यही कहते हैं कि आप लोग उम्मीद रखिए सब सही होगा और कोई एक उत्तर ही नहीं दे रहे हैं। कोई हमेशा वहाँ हॉस्पिटल में मिलते ही नहीं है हम लोगों को और ना कोई सैलरी हम लोग को दी गई है। हम लोग सब इतने 20 स्टाफ नर्सेज हैं, हम लोग आप अस्पताल प्रशासन को सात दिन का समय दे रहे हैं कि हम लोग को वेतन दिलाई जाए हम लोग की, जो 3 महीने से हम लोग कार्य कर रहे हैं। और जैसा कि उन्होंने कहा है, कभी कहते हैं 6 महीने के लिए आपका प्रोजेक्ट बढ़ गया है, तो हम लोगों को रिटर्न भी हम लोग जो दीदी यहाँ पे आई हुई हैं उमा भारती जी मंत्री जी, हम उनके सामने अपना ज्ञापन देने, अपनी समस्या रखने उनके सामने आए हैं सभी लोग। और अभी उन्होंने कल पेपर में ये निकाला हुआ है कि 3 महीने से आप लोग समाज सेवा कर रहे हैं। अगर ये समाज सेवा थी तो हम लोग को 3 महीने पहले बता देना चाहिए था, 3 महीने काफ़ी होते हैं समाज सेवा के लिए। इंद्रेश कुमार तिवारी है, हम जिला अस्पताल पुरुष में कार्यरत स्टाफ नर्स हैं, हम लोग 20 स्टाफ नर्स हैं जिनका कोई भी भुगतान नहीं दिया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है मानसिक आर्थिक सब प्रकार से। और हम लोग से रिन्यूअल के 40,000 रुपये मांगे जा रहे हैं और अगर हम लोग को 7 दिन में कोई ठोस कार्रवाई नहीं करते हैं ये लोग तो हम लोग हड़ताल पर जाएंगे। अपनी समस्या कहाँ कहाँ रखी है आपने? हम लोग ने CMO DM साहब और CMS साहब को तो कई बार अवगत कराया लेकिन कोई इस पर उन लोग ने निर्णय नहीं निकाला। अभी आश्वासन दिया? आश्वासन कुछ नहीं देते हैं, बस गोल गोल घुमाते हैं कि हमारी शासन से बात चल रही है लेकिन फिर भी कोई वहाँ से लेटर नहीं आता है ना वित्त। हम लोग तो इस पर कुछ नहीं मान रहे हैं, यही है कि हम लोग का शोषण ही कर रहे हैं, संविदा वाले हैं वो भी कर रहे हैं, हर प्रकार से कर्मचारी जितने हैं सब शोषण कर रहे हैं। समस्या लेके कहाँ आए हैं? अब हम लोग श्री उमा भारती जी मंत्री जी जो हैं हमारे यहाँ की, उनसे हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। और आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तब क्या? तो हम लोग 7 दिन बाद भूख हड़ताल पे बैठेंगे।